हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है एनसीईआरटी कक्षा 8 की, इतिहास की एनसीईआरटी है, हमारे अतीत। तो ये है आधुनिक भारत के का इतिहास की एनसीईआरटी। तो अब तक हम लोग कक्षा 6 और 7 की एनसीईआरटी ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप उनके चैप्टर देखना चाहते हैं, नहीं देखे हैं, तो आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं सारे चैप्टर्स। नीचे लिंक मिल जाएगी वहाँ से, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो 6th क्लास की जो थी वो प्राचीन भारत की, और 7th क्लास की मध्यकालीन भारत की, और ये हम शुरू करने जा रहे हैं जो ये है आधुनिक भारत के इतिहास की। तो आधुनिक भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कह भी रहे थे कि आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कब शुरू होगी, तो आज से शुरू हो रही है। और चूंकि हम क्रम नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए हमने हमने सोचा कि 6th और 7th की पहले कंप्लीट हो जाए, फिर हम यहाँ से शुरू करें। तो जो बाकी जो 6th 7th की हैं वो तो एक ही एक किताब है, लेकिन जो 8th क्लास की हैं ये दो है, भाग एक और भाग दो। तो भाग एक में 6 चैप्टर हैं और भाग दो में भी 6 चैप्टर हैं। तो टोटल कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है उसमें 12 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। तो एक एक करके पहले मैं आपको चैप्टर दिखा दूँ कि कौन कौन से पढ़ने हैं हमको चैप्टर इसमें, तो फिर हम शुरू करते हैं। तो ये है विषय सूची। विषय सूची में इसमें 6 चैप्टर हैं इस वाली बुक में, और जो भाग दो है इसी की उसमें भी 7 से लेकर 12 तक हैं। तो टोटल 12 चैप्टर हैं। एक एक करके पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अगर कोई चीज़ छोड़ दो तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई हो, तो छूटेगा कुछ नहीं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो सब हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ, 8th क्लास की एनसीईआरटी का। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, तो देखिए जब तारीखों की बात होती है, हम लोगों ने जब 6th क्लास की एनसीईआरटी शुरू की थी तो वहाँ पर देखा था कि ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, और उनमें डिफरेंस क्या होता है, किसको माना जाए। कि जैसे 326 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ, कि मतलब जन्म से ईसा मसीह के जन्म से माना जाए कि उनकी मृत्यु से माना जाए। तो ये सब हम लोगों ने 6th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, हमने सब डिटेल में कवर किया था। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताई गई हैं, लेकिन फिर भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ओके, तो यहाँ पर है, ये एक चित्र दिया गया है यहाँ पर, जो कि है ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो ये नाम आप याद रखिए थोड़ा सा, रेनेल ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार किया था, और ये बनवाया किसने था, रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करने का करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में बताया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी देखेंगे।
ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। मतलब कि हम ये नहीं बता सकते कि चाय पीना कौन सी तारीख से शुरू हुआ, ठीक है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यहाँ लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व तो बना रहता है। जैसा कि पिछले साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, मतलब सिक्स सेवन्थ की एनसीईआरटी में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे और बने और बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले, कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन में शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेजली, वेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व तो इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। या ऐसे था मानो उन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। उन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। ये यहाँ पे एक चित्र दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स का। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। क्या हम उसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व तो दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसको आप याद रखिए,
जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पुस्तक का नाम है आप याद रखिए, पूछा जा सकता है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी, तो जेम्स मिल ने लिखी थी। ये स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे, राजनीतिक दार्शनिक थे। ओके, तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादा लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? तो देखिए, यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र इसलिए किया गया, तो जेम्स मिल ने क्या किया था, भारतीय इतिहास को जिन तीन कालखंडों में बांटा था, तो वे थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जबकि हमारे इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को कैसे बांटा, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ओके, जबकि जेम्स मिल ने बांटा था कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट दिया था। ओके, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल यानी जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, ऐसा जेम्स मिल का मानना था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ जिम्स मिल का मानना था, इसमें कोई वास्तविकता तो थी नहीं ऐसी। ओके, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अब देखो, यहाँ पर यह कहा गया है कि अच्छा, जेम्स मिल ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि जेम्स मिल ने देखा था कि जो शुरुआत में जो प्राचीन भारत था उस समय हिंदू राजाओं का शासन था, उसके बाद मुस्लिम शासन भारत में, उसकी स्थापना हुई, मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए, यानी ईसाई, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तो इस वजह से उन्होंने इस तरीके से बांट दिया। लेकिन यहाँ पर इतिहासकारों ने, जो बाकी दूसरे इतिहासकार थे जैसे कि हमारे देश के इतिहासकार, इन्होंने ये तर्क दिया कि भाई जिस समय हिंदू राजाओं का शासन था, क्या उस समय दूसरे धर्मों के लोग नहीं थे भारत में? वे भी तो थे। या जब मुस्लिम शासन था, क्या हिंदू धर्मों के लोग चले गए थे भारत से? मतलब वे भी तो रहते थे, तो केवल राजाओं का शासन ही थोड़ी बताया जाएगा। इस वजह से इसको हमारे इतिहासकारों ने इसको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में लिखा। ओके, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, नहीं यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है, तो चलिए जानते हैं क्या होता है।
इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीके में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। देखिए, बहुत अच्छी यहाँ पर एक डेफिनेशन हमको मिल गई कि औपनिवेशीकरण होता क्या है, कि जब अपनी पसंद नापसंद रीति रिवाज तौर तरीके में, यहाँ से ये शुरू होती है कि औपनिवेशीकरण की डेफिनेशन, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही आप ये समझ पाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। तो हमारे अतीत का मतलब हुआ हमारा अतीत क्यों नहीं, इस पुस्तक का नाम हमारा अतीत भी तो रखा जा सकता था कि हमारा बीता हुआ कल। लेकिन हमारे अतीत इसलिए रखा गया क्योंकि अलग अलग वर्गों के अलग अलग अतीत था। जो राजा लोग थे उनका अतीत दूसरे प्रकार का था, किसान थे उनका अतीत दूसरे प्रकार का था, तो इसीलिए हमारे अतीत नाम दिया गया। हम किस तरह जानते हैं, भारतीय इतिहासकार ने भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, तो जानते हैं। और यहाँ पे कुछ साइड में कुछ लिखा गया है, ये भी हम पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ते हैं, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के लिए चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके सामने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थीं। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों को कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। तो यहाँ पे क्या है, ज़रा ये भी देख लेते हैं। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। मतलब ये रिपोर्ट है, तो उस समय रिपोर्ट लिखी जाती थी, कैसे, उसके नमूने यहाँ पे दिए गए हैं। गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार है। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना, तो यहाँ पे उस समय की जो घटनाएं थी उनको इस तरीके से बताया गया कि कैसे रिपोर्ट लिखी जाती थी, भेजी जाती थी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, सर्वेक्षण यानी सर्वे कितना इम्पॉर्टेंट था देखते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह,
मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनमें से हमें ये पहले चित्र देख लें कौन कौन से हैं। तो बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, तो ये कुछ चित्र हैं। यहाँ पर 1857 के विद्रोही, तो यहाँ पर आप वीडियो पास करके देख सकते हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स में हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़क पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों, ये चैप्टर ख़त्म हो गया और उम्मीद है कि इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने समझी होंगी। और इसके बाद जो मेन कंटेंट है वो अगले आगे के चैप्टर्स में आपको मिलेगा, जो कि आधुनिक भारत का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो कोई हम अपलोड करें तो आपको सूचना मिल सके। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।